हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर आज हम सीड डोरमेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं बट सीड डॉर्मेंसी समझने से पहले इसमें से ये जो डोरमेंसी वर्ड है इसे हम पहले जान लेते हैं सो so, डोरमेंसी ये शब्द डॉर्मेंट वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है स्लीपिंग सो डॉर्मनसी इज अ स्लीपिंग स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये स्टेज कुछ एनिमल्स में भी दिखाई देती है और कुछ प्लांट्स में भी जैसे कि आपने बियर के बारे में सुना होगा बियर क्या करता है पूरे विंटर सीजन में एनर्जी सेव करने के लिए सोते रहता है और उस स्टेज को कहा जाता है डोरमेंसी या फिर हाइबरनेशन तो ऐसे ही डोरमेंसी की फेज प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं जिसे हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं तो आज हम सिर्फ सीड डॉर्मेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे सो डॉर्मेंसी मीन्स बींग इनएक्टिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड या फिर सिंपल वर्ड में मैं यहां पे बताऊंगी कि सारा कामधाम छोड़ के आराम करने वाली स्टेज मतलब डॉर्मंसी जैसे कि आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है बट प्लांट्स को पूरे साल भर अलग अलग टेम्परेचर और क्लाइमेट को फेस करना पड़ता है प्लांट्स ना ही लोकोमोशन कर सकते हैं ना ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं सो डोरमेंसी ये एक ऐसी फेज है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ना ग्रो होते हैं ना ही डेवलप ट मींस उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो हो जाती है दे सीज और स्लो डाउन देखिविटीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड सो यह हुआ कंप्लीट डॉर्मेंसी का मीनिंग डॉर्मेंसी तो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी स्टेज जहां पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाती है ठीक है चलिए अभी सी डॉर्मेंसी क्या होती है यह जान लेते हैं यहाँ पे मैंने सीड डोरमेंसी की एक डेफिनेशन दी है पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए सीड डोरमेंसी कैन बी डिफाइंड एज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ द सीड इन विच द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इज टेम्पररीली सस्पेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब सीड डोरमेंसी ये सीड की इनएक्टिव स्टेज है जिसमें सीड के एम्ब्रियो की ग्रोथ कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएगी तो ये हुई इसकी डेफिनेशन यहां पे मैंने सीड डोरमेंसी की दूसरी डेफिनेशन भी दी है अगर ये डेफिनेशन आपको इजी लगती है तो आप एग्जाम के लिए ये भी लर्न कर सकते हो तो चलिए यहां पे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब सवाल ये है कि सीड डोरमेंसी क्यों जरूरी होती है क्योंकि द सीड रिक्वायर्ड अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर बींग अ कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेशन के प्रोसेस के पहले सीड्स जर्मिनेशन के लिए खुद को कैपेबल बनाने के लिए वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है दिस कंडीशन में वेराइव फ्रॉम डेज टू मंथ एंड इवन ईयर तो सीड का रेस्टिंग पीरियड कुछ दिनों का हो सकता है या फिर कुछ महीनों का या फिर ये रेस्टिंग पीरियड कुछ साल का भी हो सकता है अभी हम सीट डॉर्मेंसी के कॉजेज डिस्कस करेंगे मतलब सीट डॉर्मेंसी होने के क्या रीजन्स हो सकते हैं अभी हम इसे जान लेंगे यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस पॉइंट वाइज बताए हैं जैसे कि मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीडकोट सीड कोट पुअरली डेवलप एम्बरीओज डॉम एम्ब्रियोज जर्मिनेशन इनहेबिटर और जो लास्ट सीड डारमेंसी का रीजन है वो है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट तो ये सारे रीजंस पढ़ के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सारे पॉइंट अभी हम वन बाय वन डिस्कस करने ही वाले हैं बट ये पॉइंट समझने के लिए आपको सबसे पहले सीड का स्ट्रक्चर समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है सो so इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और सीड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए नाउ लेट स्टार्ट कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मनसी तो सबसे पहला जो कॉज है सीड डॉर्मनसी का वो है मेकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट कुछ सीड के जो आउटर कवरिंग है जिसे हम सीड कोट कहते हैं तो वो जो सीड कोट है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है तो इसके वजह से सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो डेवलप होने के बावजूद भी उस सीड से बाहर नहीं आ सकता है और वो सीड सीड डोरमेंसी के फेज में चला जाता है तो ये सबसे पहला रीज़न हुआ सीड डॉमनसी का सेकेंड रीजन है इम्परमीएबल सीड कोड मीन्स कुछ प्लांट स्पेसिस के जो सीड होते हैं वो सीड बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं उनका सीड कोड बहुत ज्यादा हार्ड होता है So, इसके कारण क्या होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वाटर है गैसेस है केमिकल्स है ये सब्सटेंसेस सीड कोट के अंदर दैट मीन्स सीड के अंदर इजीली नहीं पहुंच सकते हैं तो इसके वजह से वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रोथ हो गया है बट फिर भी वहाँ से रेडिकल्स वगैरह बाहर नहीं आ सकते हैं तो इस वजह से वो भी सीड सीड डॉर्मनसी में चला जाएगा थर्ड जो रीज़न है वो है पुअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो कभी कभी क्या होता है जर्मिनेशन के टाइम में जो सीड हम सॉइल में डालते हैं वो सीड ही प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है उसका जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है वो इमेच्योर्ड ही है तो अब अगर हम उस टाइम उस सीड को सॉइल में डाल भी देते हैं और वहाँ पे सारे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड भी करते हैं तब भी वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो ये भी एक रीजन हुआ सीड डोरमेंसी का फोर्थ जो रीजन है वो है डोरमेंट एम्ब्रियो बहुत से प्लांट स्पेसिस में जैसे कि चेरी है पीज है पाइंस है इनमें सीड के एम्ब्रियो डेवलप तो होते हैं बट फिर भी दे फेल टू जर्मिनेट अब ऐसे क्यों होता है क्योंकि वो एम्ब्रियो फिजियोलॉजिकली इमेच्योर्ड होते हैं मतलब वो अंदर से कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं तो उस टाइम भी अगर हम कितना भी फेवरेबल कंडीशन उस सीड को प्रोवाइड करते हैं तब भी वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा ये हुआ एक और रीज़न उसके बाद एक रीज़न है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। अब जर्मिनेशन इनहिबिटर्स क्या है तो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं और इस सब्सटेंस के वजह से प्लांट का जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो डिले हो जाती है अब कुछ नैचुरल इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि फ्रूट पल्प में भी ये नेचुरल इनहिबिटर्स रहते हैं सीड कोट में भी होते हैं एंडोस्पम और एम्ब्रियो में भी ये जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं और इनके वजह से जर्मिनेशन की प्रोसेस डिले हो जाती है जैसे कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स है एप्सिक एसिड है या फिर यहाँ पे देखिए फिनोलिक एसिड है या फिर कॉमेरिन ये सारे जर्मिनेशन इनहेबिटर्स होते हैं इनके वजह से जर्मिनेशन की प्रोसेस लेट हो जाएगी और सीड ये डोरमेंस फेज में चला जाएगा और लास्ट जो कॉज है सीड डोरमेंसी का वो है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट कुछ प्लांट के सीड्स को स्पेसिफिक लाइट चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन और अगर पर्टिकुलर टाइम में उन्हें पर्टिकुलर लाइट ही अगर नहीं मिलता है तो वो सीड भी डॉर्मेंसी में चला जाता है तो ये सारे रीजन होते हैं सीड डोरमसी के नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सीड सीडेंसी बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी तो पहला जो है वो है इनेट डॉर्मेंसी सेकेंड इज इन्फोज डॉर्मेंसी और थर्ड है इंड्यूज डोमेंसी तो सबसे पहले हम देखेंगे इनेट डोरमेंसी क्या होती है अ कंडीशन ऑफ सीड्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन इवन इफ द कंडीशन आर सुटेबल और परफेक्ट फॉर सीडलिंग ग्रोथ मीन्स सीड को जर्मिनेशन के लिए सुटेबल कंडीशन मिलती भी है तब भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो ये कंडीशन कहलाएगी इनेट डॉर्मलसी इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था जैसे कि एम्ब्रियो डेवलप नहीं है या फिर सीड कोट बहुत ज़्यादा टफ़ है वो इम्परमीएबल है तो ये सारे रीज़न से सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है तो ये हुआ पहला टाइप सेकेंड जो है वो है इनफोर्स डॉर्मेंसी अ कंडीशन ऑफ सीड दैट आर incapable ऑफ जर्मिनेशन ड्यू टू एन environmental restraint मतलब मॉइस्चर लाइट टेम्परेचर ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ये जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट अगर यही फैक्टर्स सीड को नहीं मिलते हैं तो सीड डॉर्मेंसी फेज में चला जाएगा और इस टाइप को कहा जाता है इन्फोस डॉर्मेंसी और लास्ट जो टाइप है डॉमेंसी का वो है इंड्यूस डॉर्मेंसी जब किसी सीड को वाटर तो इनफ क्वांटिटी में मिलता है बट अगर वैसे सीड को अगर हम अनफेवरेबल कंडीशन में रख देते हैं तो वैसे कंडीशन में वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा सो दिस इज ऑल्सो अ सीड डॉर्मन्सी कॉल्ड एज इंड्यूज डॉर्मनसी इन तीनों टाइप के अलावा और भी कुछ टाइप्स होते हैं डॉर्मेंसी के तो सबसे पहला वहाँ पे है वो है फिजिकल डॉर्मनसी जिसे सीड को डॉर्मेंसी कहा जाता है अब ये क्या है द सीड कोट इज हार्ड विच डज नॉट अलाउ द सीड टू एप्स ऑफ वाटर एंड गैसेस एंड सच टाइप ऑफ डॉमेंसी इज कॉल्ड सीड कोट डॉमेंसी मतलब कुछ प्लांट के सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है और इस वजह से वाटर और गैस सीड के अंदर नहीं पहुंचेंगे और उस टाइप के डॉर्मनसी को कहा जाता है सीड कोट डॉर्मनसी सेकेंड है मैकेनिकल डोरमेंसी अब कभी कभी क्या होता है जो रेडिकल्स होते हैं जहाँ से रूट प्रोड्यूस होता है उसे रेडिकल कहते हैं तो जो रेडिकल है वो टफ जो आउटर कवरिंग है सीड का उसके वजह से वो बाहर नहीं आ सकता है तो ऐसे टाइप को कहा जाता है मैकेनिकल डॉर्मन्सी और लास्ट जो है वो है केमिकल डॉर्मन्सी जो कि जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स के वजह से होता है जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कुछ इनहिबिटर्स प्लांट के अंदर ही होते हैं और उनके कारण जर्मिनेशन की प्रोसेस कुछ टाइम के लिए स्लो डाउन हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है तो वैसे टाइप के डॉमेंसी को कहा जाता है केमिकल डॉर्मन्सी तो यहाँ तक हुए सारे डॉर्मनसी के टाइप सिड डॉर्मनसी को ब्रेक करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं सिड सिर्मसी एक तो आर्टिफिशियली ब्रेक कर सकते हैं या फिर नेचुरली तो इस वीडियो में हम ये मेथड्स नहीं डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था आज हमने देखा है सिट डॉर्मनसी के रीजंस क्या होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं और सिट डॉर्मनसी के डेफिनेशन अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू